द क्लास हम डिस्कस करेंगे ब्रांड अम्बैसडर्स इसका पार्ट वन हमने कल डिस्कस किया था और जो इसका पार्ट टू है वो आज हम डिस्कस करके इस टॉपिक को हम फाइनली क्लोज कर देंगे जितने भी ब्रांड अम्बेसडर्स थे लास्ट ईयर के वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे कुछ फेमस फेमस ब्रांड्स जो हैं वो हम कवर कर लेंगे इसमें सो लेट्स स्टार्ट सो पहला जो ब्रांड अम्बेसडर हम डिस्कस करेंगे वो है पोकरबाजी डॉट कॉम के पोकरबाजी के डॉट कॉम हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं मिस्टर शाहिद कपूर नेक्स्ट इज़ फैन कोड फैन कोड ये आपका एक स्पोर्ट्स uh, स्टैटिक्स और लाइफ कंटेंट के लिए आपका एक ऐप होता है और इस पर आपके सारे स्पोर्ट्स के आपके जो मैच प्रोसेस में हो रहा होता है उसमें रन्स कितने हुए विकेट कितने हुए वो सब आप इसमें चेक कर सकते हो सो so, इसके जो ब्रांड अम्बेसडर हैं ये आपके इंडियन क्रिकेट टीम के कोच और इंडियन क्रिकेटर हैं मिस्टर रवि शास्त्री नेक्स्ट इज़ गर्मीन अब गर्मीन जो आपका ये आ, एक चेन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेन किस चीज़ में डील करता है आपका जितना भी फिटनेस सेगमेंट का सेक्शन होता है अब आज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गर्मीन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मिस्टर कौस्तु ब्राडकर जिनका इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो अब आ, इसमें जो ये फ़िटनेस वॉच है फ़िटनेस वॉच गारमेंट की इज़ वेरी फेमस इस वजह से हम इस पर्टिकुलर चेन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द फिटनेस सेगमेंट नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ यूनिसेफ़ यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड अम्बेसडर जो हैं वो हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग हैविल्स हैविल्स की जो ब्रांड अम्बेसडर हैं ही इज़ सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट इज नेक्स्ट अब जो आप देख रहे हो ये है आपका कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव इसका जो निक नेम है वो का भी भी है मतलब का के ए भी बी एच आई ठीक है अब ये इसका जो ब्रांड अम्बेसडर का अपॉइंटमेंट होता है इस स्कीम का वो कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट करता है ठीक है अब कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट में ने जिस पर्सन को इसका ब्रांड अम्बेसडर अनाउंस किया है वो है रॉबिन उठप्पा द इमेज में जिसका आप नेम देख रहे हो उनका नेम है रॉबिन उठप्पा नेक्स्ट इज इजी का जो ब्रांड uh, अम्बेस्डर है इमेज में भी आप देख रहे हो पता तो चली गया होगा फार्म इजी का ब्रांड अम्बेस्डर इज़ बताइए बताइए नाम बताइए एनी गेसेस इज़ आमिर खान ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग अमिताभ बच्चन अब अमिताभ बच्चन आ, हमने कल भी डिस्कस किया था जो जो ब्रांड्स अमिताभ बच्चन होल्ड कर रहे थे जिन जिन ब्रांड्स का ब्रांड अम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन अब आज फिर से अमिताभ बच्चन को हम डिस्कस करते हैं दो नए ब्रांड्स के साथ पहला तो अपग्रेड जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से जहाँ से वो वैलिड डिग्री भी देते हैं अपग्रेड और दूसरा मेडिबेडी मेडिबडी uh, जो हमारी हेल्थ केयर चेन है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हेल्थ केयर जो चेन होता है जो आपका मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं मेडिबेडी सो टू ब्रांड्स ही इज़ होल्डिंग एज द एम्बेसडरशिप वन इज़ अपग्रैड वन इज़ मेडिबैडी नेक्स्ट इज़ भारती अक्सा भारतीय अक्सा इंश्योरेंस भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस चेन है ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है ये इसका जो ब्रांड अम्बेसडर है तो ब्रांड अम्बेसडर इज़ मिस मिस विद्या बालन नेक्स्ट इज़ ल्यूपिन ल्यूपिन की जो ब्रांड अम्बेसडर है वो मैरी कॉम है और जो सेक्शन ये लुपिन में होल्ड कर रही हैं फॉर द ब्रांड अम्बेसडरशिप वो है Women's Cardiovascular Health Awareness Initiative. Under Women's Cardiovascular Health Awareness Initiative, she is holding the ambassadorship in Lupin. नेक्स्ट इज़ डी टू एच ये आपकी uh, जैसे डिश टीवी होता है ना हमारा टीवी सेटअप uh, बॉक्स uh, वाला चेन वैसे ही डी टू एच है डी टू एच का फुल फॉर्म हो जाता है डायरेक्ट टू हार्ट और इसका ब्रांड अम्बेसडर इज़ ऋषभ पंत एक तो हमने डी टू एच हो गया एक और बहुत फेमस है डिश टीवी तो डिश टीवी का ब्रांड अम्बेसडर इज़ अमिताभ बच्चन इन प्लस ऑफ दैट ये दो चीज़ों का ब्रांड uh, अम्बेसडर uh, uh, और हैं वन इज़ थम््सअप जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो थम्सअप का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर इज अमिताभ बच्चन सेकेंड ए टू थ्री ए टू थ्री जो है ये आपका ऑनलाइन गेमिंग ऐप है और इस ऐप का एक छोटा सा टैगलाइन मैं बताना चाहूँगी बिकॉज़ इसका बहुत नॉन सिमिलर ऐप है बहुत कम लोगों ने सुना होगा तो ए टू थ्री का जो टैगलाइन होता है क्योंकि टैगलाइंस भी वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो इसका टैगलाइन है चलो साथ खेलें ओके ए टू थ्री का टैगलाइन लाइन इज चलो साथ खेलें नेक्स्ट इज माई इलेवन सर्कल अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं माई इलेवन सर्कल ये आपका ये भी आपका एक गेमिंग ऐप है इन प्लस ऑफ दैट इसके जो ब्रांड अम्बेस्डर्स हैं जो पर्सन है जिसके हाथ में आप फोन देख रहे हो ही इज़ शुभम गिल एंड नेक्स्ट टू हिम ऋतुराज गायकवाड़ इज स्टैंडिंग सो बोथ ऑफ देम आर द ब्रांड अम्बेस्डर फॉर माय इलेवन सर्कल नेक्स्ट इज रमी सर्कल प्ले रमी इसका एडवर्टीजमेंट हमने यूट्यूब टी सब जगह आता है एंड इसका ब्रांड अम्बेस्डर इज़ मिस्टर ऋतिक रोशन नेक्स्ट इज बाटा जो हमारी फुटवेयर चेन uh, है फुटवेयर ब्रांड है इसका ब्रांड एम्बेसडर इज दिशा पटानी नेक्स्ट इज कृषि नेटवर्क अब कृषि नेटवर्क जो है ये गवर्नमेंट स्कीम है ये रिलेटेड है आपकी एग्री ये एग्रीकल्चर वाला जो चेन होता है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसके ब्रांड अम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी इन प्लस ऑफ दैट इस कृषि नेटवर्क में कुछ पोर्शन ऑफ इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कुछ पोर्शन मॉनिट्री का पंकज त्रिपाठी जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है इस स्कीम पे नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग दी अगर आप ये वर्क देख रहे हो तो वर्क देख के थोड़ा सा बताना मतलब वर्क कहाँ का लग रहा है ये ये जो बहुत फेमस डिज़ाइन है ये है आपकी मधुबनी पेंटिंग तो हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार ये एक हैंडीक्राफ्ट की फ़ोटो तो मैंने लगाई है बाकी और भी हैं वो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए मैंने रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो लगा दी है सो ये जो सेक्शन है ये है आपका जो खादी और हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है बिहार का उसका भी ब्रांड अम्बेसडर अनाउंस होता है हर साल तो पिछले साल और अभी तक भी कंटिन्यूएशन में हैं तो ये ब्रांड अम्बेसडर हैं मैथिली ठाकुर बहुत फेमस सिंगर भी हैं ये तो द ब्रांड अम्बेसडर फॉर खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ़ बिहार इज़ मैथिली ठाकुर नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत फेमस एक गवर्नमेंट स्कीम है और हम सब ने देख, मतलब हम सब देखते हैं सुनते हैं इस स्कीम को तो इस स्कीम के हम डिस्कस करेंगे अभी ब्र, ब्रांड अम्बेसडर्स कौन कौन हैं तो इस स्कीम के ब्रांड अम्बेसडर्स हैं तनिष्का कोटिया द गर्ल हेयर एंड नेक्स्ट टू हर स्टैंडिंग इज़ हर सिस्टर रिधिका कोटिया अब ये दोनों ब्रांड अम्बेसडर क्यों हैं तो थोड़ा सा मैं इनका आ, एक जो प्रोसेस एक जो जिस चीज़ की वजह से न्यूज़ में है वो मैं बता देती हूँ तनिष्का कोटिया को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2008 में अवॉर्ड मिला था यंगेस्ट चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया को लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स में मिला था यंगेस्ट चेस प्लेयर का अवार्ड इन 2008 और उनके नेक्स्ट में जो खड़ी हैं इज़ है सिस्टर रिथिका कोटिया उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2020 में खेला था दैट्स वाई उनको ब्रांड अम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाया गया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा गुड़गांव नेक्स्ट इज़ रिन्यू बाई रिन्यू बाई जो है ये आपका ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म होता है और इसके ब्रांड अम्बेसडर इज राजकुमार राव नेक्स्ट इज़ बैंक ऑफ बड़ोडा बैंक ऑफ बड़ोडा के जो हमारे ब्रांड अम्बेसडर सॉरी जो हमारे ब्रांड अम्बेसडर हैं बैंक ऑफ बड़ोडा के वो हमारे इंडियन विमेंस हैं फ्रॉम फ्रॉम द एथलीट्स सो वन इज़ पीवी सिंधु जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो एंड ऑन दी राइट साइड शेफाली वर्मा सो दीज बोथ आर होल्डिंग दी ब्रांड अम्बेसडरशिप फॉर दी बैंक ऑफ बड़ोडा सो so, ये सेक्शन जो ब्रांड अम्बैसडर्स का है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ़ॉर द फेमस गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई फ़ॉर द फेमस बैंक्स हो गए फ़ॉर द फेमस आपके जितने ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए इंश्योरेंस कंपनीज हो गई सो so, नाउ इसको आप पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर सक कर लो एक बार सो so दैट अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है लेटेड भी सी यू ई टी रिलेटेड भी डिज़ाइन इट बी अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे रहे हो जैसे अभी एस एस सी सी एच एस एल भी आने वाला है तो यू कैन जस्ट गो ऑन विद दीज ऑल दीज टॉपिक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू